प्रकरण दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते बताया कि चंबल नदी के किनारे कई साल पहले उद्योग का डंप यार्ड था और उद्योग से निकलने वाली राख का वहां पर इकट्ठा किया जाता था, जो धीरे धीरे पहाड़नुमा टीले में तब्दील हो गया। इसी टीले से ईंट भट्टा संचालक अवैध तरीके से खनन कर रहे थे, जिससे टीले की सतह कमजोर हो गई, जिसके चलते एक मजदूर के दबने से मौत हो गई। बता दें कि उद्योग द्वारा वहाँ पर एक जामदार की ड्यूटी भी लगाई गई थी। इसके बाद भी टीले के आसपास ईंट भट्टा संचालकों के द्वारा अवैध तरीके से खनन किया जा रहा था, जिसके चलते एक मजदूर अकाल मौत का शिकार हो गया। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के पीछे एक राख का पहाड़ है जो काफ़ी दिनों पुराना है। वहाँ से जो ईंट के भट्टे वाले हैं प्रजापति, जो वहाँ से ईंट के भट्टे में उपयोग होने वाली राख को वहाँ से निकलवाते थे, और इसमें उनके द्वारा अजय और धर्मेंद्र को वहाँ पे मैं ट्रैक्टर ट्रॉली के वहाँ भेजा था ड्राइवर के साथ में, और राख निकालते समय राख का पहाड़ धसक गया था, जिसमें ये दो लोग दब गए थे। वहाँ के लोगों की मदद से धर्मेंद्र को घायल अवस्था में निकाल के अस्पताल में इलाज करवाया गया।